देखिए जी, ये जो इंसान अभी अभी बाहर गए हैं, इन्होंने ये फाड़ दिया, ये कुर्सी नई बना दी। देखो कैसी है तुम, है ना। एग्जैक्टली किसने शुरू किया था? मैंने नहीं किया। बोल रही थी कि बैठ के नीचे पसीना आ जाता है तो गीला हो जाता है। मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा होना तो चाहिए, ये महंगी चेयर है। बोली इस पॉलिथिन की वजह से आता है। तो इसने एकदम से फाड़ दिया। उसके बाद मैंने कहा ये ठीक था, कम से कम डस्ट वगैरह नहीं लगती थी, क्योंकि ये कपड़ा देखो ऐसे ही है, डस्ट को मतलब डस्ट भी अंदर रह जाएगी, ये जल्दी खराब होगा। तो इस चक्कर में मैंने रोक दिया, थोड़ा सा फाड़ा था मैंने, इसने सारा फाड़ दिया ऐसे करके। बस और मत फाड़। अरे तुमने इतना पोर्शन फाड़ दिया, फिर क्यों छोड़ रही हो बाकी का? फिर मैंने बाकी का उतार। चलिए जी, अमित का दुख दर्द ऐसे ही चलता रहेगा। हम आपसे मिलते हैं कल सुबह। सारा दारमदार ठीक तो दामोदर निवलन मुझे देती है कि इसकी गलती तो शुरू खुद करती है, हाथ में छोड़ दिया। ऐसे ऑडियंस कह रही होगी नहीं। हाँ जी, तो हम जिम से आ गए हैं और ये इंसान जिम से आके बोल रहा है ना, आलू के पराठे बना ले। क्या बोला तूने? वहाँ खुद ऑफर कर रही थी जिम में मुझे कि पराठे खाएगा, मैंने कहा हाँ। मना तो कभी होता ही नहीं तुमसे। तो कल जो हमने ब्रेड पकोड़े का सत्यानाश किया था, सही पकड़े हैं। उस टाइम पे आलू तो उबाले थे ना, तो वो आलू बचे हुए हैं। सत्यानाश। चलिए जी, उसके पराठे बनाएंगे। तो आलू के पराठे बनाएंगे। गौर से देखिए इस इंसान को, ये इंसान जो है मुझे इतनी सारी कैलोरीज अभी पराठे के रूप में खिलाने वाले हैं और खुद जो है ये ब्राउन टी, जिसे हम ग्रीन टी बोलते हैं, वो पी रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कैसा लग रहा है आपको ये? बोलते हम ब्राउन टी बोलते हैं उनका पराठा। हाँ, ब्राउन टी ग्रीन टी। मैं खाऊंगी पराठे थोड़ी देर बाद, खाऊंगी। नहीं, भरोसा नहीं है तुम्हारा ऐसे। तुम्हें ये लगता है अमित को मैं कैलरीज से भर दूं, ठीक है, कैलरीज वाला वोट दूं इसे, और खुद ग्रीन टी पी के पतले रहूं। इसका राज क्या है? दिमाग में नहीं। अरविंद, ये सही नहीं थी कह रहा मैं। कितने दिन से तुम ये ग्रीन टी पी रहे हो? मुझे पिलाई तुमने पहले ये बोलो, मुझे पिलाई? देखो देखो देख, बस रहने दे। मतलब आंसर नहीं दिया, हाँ या ना, हाँ या ना, पिलाई या नहीं, ये बता। बोलो ये देखे, अच्छा बोलो। अच्छा चल मैं चुप हूँ, पर तू सच बता कि तुमने पिए ग्रीन टी इतने दिन? मैंने हमेशा पूछी है तुमसे, तुमने हमेशा मना किया है। मना नहीं किया रविंद्र, अब पी ले। हाँ थैंक यू, लेकिन फिर पराठे कौन खाएगा? ओ भाई, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो तुम ना बस इरिटेट कर रहे हो सुबह सुबह काम। हाँ देखा, मैं बोलू तो इरिटेशन और ये बोले तो हुक्म। कुछ भी, सॉरी कुछ भी नहीं, मतलब रब की आवाज जिसे जुटला नहीं सकते आप। चलिए जी, हमारा जो है इतना टेस्टी वाला पराठा जो रविना के हाथ से बनता है वो रेडी है। यहाँ पर हम दोनों भी रेडी हैं, आपने देख लिया है। और ये वाली टी शर्ट अच्छे से दिखाओ, ये वाली टी शर्ट इस पे कैसी लग रही है वो बताना। ये तब से जीत रहा है कि अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, और मैं कहता हूँ अच्छी नहीं, अच्छी है और उनसे अच्छी नहीं है। मतलब वो टी शर्ट है ना, मेरे पास इससे भी एक उठ लेगा ये दिखाने के लिए, ऐसा इंसान है ये। ये ग्रीन टी आपको मुबारक। चलिए जी, हम अपने पराठे का सारा डिस्कशन यही खत्म होता है, क्योंकि इसको पीनी ही नहीं है। पीनी थी ये, तुमने स्ट्रॉन्ग बनाई है ऐसे। कुछ भी ऐसे फ्लेवर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ भी, समझ। चलिए जी, वेट करते हैं अपने पराठे का, जब आ जाएगा खाते हैं, मन भर के खाते हैं, जी भर के खाते हैं। एक एक वो थी ना टैगलाइन, जिंदगी जियो जी भर के। रिमाइंडर किया है। चलिए जी, आपसे मिलते हैं जब पराठा रेडी हो जाएगा। बोलिए ना, ये अभी आए हैं जी, अभी आए हैं, जो कि मेरे हाथ में रेडी नहीं है। होने साथ या सात बजने वाले, 6:50 ओके, 6:47 ये। एग्जैक्ट दिख गया था यार, आप लोगों को पता नहीं है, बट मैं आप लोगों को ठीक है चश्मे। मैं आप लोगों को बता दूं हम कहाँ जा रहे हैं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह गन्ने का जूस पीने जा रहे हैं, क्योंकि रवीना सुबह से काम कर रही है और वो थक गई है।
अकेले बैठ के पीपीटी बना बना के मेरा दिमाग हो गया, भर गया है। नहीं फटने को फटने को देना, ओ थैंक यू तुम बादाम खिलाते हो, थोड़ा खाली कर लो तुम बादाम खिला के ध्यान रखते हो ना तो फटेगा नहीं, इसने ज्यादा ध्यान रख लिया, अब मैं इसका खाती हूँ। इसके इतना दिमाग आ गया कि मेरा खाने वाली हो जाती है कि मुझे एक्स्ट्रा चाहिए और एक्स्ट्रा। ये अपनी ही लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अगर मेरे में इतना दिमाग आ गया है तो मैं इसका क्यों खाऊंगी। वाह दीदी वाह दीदी, दिमाग अगर इसमें दिमाग आ गया मेरा दिमाग छोड़ेगी ही नहीं, हो जाता है जमा ही नहीं कुछ नहीं जमा नहीं, जिनको समझ रहे नहीं समझ रहे, मुझे नहीं आया मेरे में तो बादाम खाते हो बेचारा पति बन जाते हैं ना मेरी बीवी मुझे जो बोलते हैं वो कर लेता हूँ, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता तो ऐसे, क्योंकि शाती रोती है वो बीवी ऐसे बट मैं सिर्फ कोई रेलेवेंसी लगी इस बात में, कोई कुछ भी समझ आया इस बात में? ऑब्वियसली समझे होंगे, आप क्यों नहीं समझेंगे, जिनके साथ हुआ होगा ना वो तो बिल्कुल समझेंगे, बेचारे हस्बैंड्स बेचारे पति लोग पति लोग चलिए जी पति लोक बनाना चाहिए जिसमें इन सारे पतियों को छोड़ देना चाहिए, पति लोगों को छोड़ना चाहिए उस लोक में, तो पति लोग इन द पति लोक। वाह दीदी वाह दीदी, फिर तो हो ही नहीं सकते पति ना अगर वो एक लोक में होंगे तो। नहीं तुम लोगों की शादी करके तुम्हें पति लोक भेज रहे हैं हम, ओ भाई फिर पति लोक में जाओ, पति लोक में जाओ जहाँ पे सारे बीवी के साथ कौन सा स्वर्ग है, बीवी के साथ तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग से भी ऊपर कोई स्थान है तो बीवी के साथ ऐसा। ये जो इसने ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो इसने बाद में बात बोल ली है ना वो सच है, पहले वाला मत सुनना, हम जूस भी खाते हैं। हाँ जी तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे रवीना दोनों गिलास पी रही है। नहीं, ये इसने जो है दोनों चीजें पकड़ ली, ये भी नहीं कहा कि अमित तू एक पीले हाफ पीले कुछ भी नहीं बोला, कौन सा दे रही है अभी आपके सामने दे दिया, जैसे मैं कैमरा ऑफ करूंगा छीन लिया जाएगा। मेरा मन कर रहा है इसे ऑन रखता हूँ, भरोसा नहीं है, ऑन रख लू जानबूझ के, देखा थम्स अप किया बस कुछ नहीं बोली। ये इंसान यहाँ ऐसे पसरा हुआ जो नजर आ रहे हैं हमारे पति जी, ये किताब यहाँ रखी थी और इसके पैर के लग गई, कह रहा रवीना ये किताब पैर के लग गई, जल्दी हाथ के टच करा दे जल्दी करा, पाप चढ़ जाएगा जल्दी करा दे। पाप की बात है मतलब बचपन से सीखा है तो अभी वो आदत, ओ भाई मारो मुझे मारो ऐसा ये किताब बोल रही है, बुक सर्वोपरि है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसा। तो मुझे वो ही है बचपन से अब तक सेम चीजें याद है, अगर बाई चांस आपके पैर के वो छू गई तो उसको ब्लॉग के लिए खड़ा हो गया, ये बैठ गया एकदम से यूनिस के टच करने, मैं ब्लॉग देख रहा हूँ हमारे में ऐसे होते हैं, मैंने फटाफट रवीना को लगा टच करा ऐसे करके ऐसे करता है, फिर हमें कैसे करता है बताइए, मतलब सिर माथे लगाते हैं ना सर्वोपरि मानते हैं बुक्स को इसलिए, है ना जी, पहले पैरों में रुड़ दो फिर सिर माथे पे लगा दो। मैंने देखी तो नहीं थी, मेरा पैर लगा तो मुझे रियलाइज हुआ क्यों ये तो किताब दे रही ना जल्दी दे, मैंने कहा रवीना टच करा दे टच करा दे और इसे उठा ले ऐसा, वरना तो आप भी ध्यान रखें बुक्स कितनी फालतू बात है, तो माफी मांगे बुक से कि माफ कर देना ज्ञान के देवता या देवी ऐसा। तो देखा आपने कितनी फालतू बातें चलती रहती हैं हमारे घर में, यही सब फालतू नहीं थी, सॉरी ये फालतू बात नहीं थी, इसमें क्या है बुक्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना उस उपलक्ष्य में, तो ये सब चीजें हैं तो ये मत बोलो कि ये फालतू की बात है, ये फालतू की बात नहीं, तो है। ये बात जब मैंने इसको फालतू बोला तो ये अमित के हर्ट को टच हो गई, इट हर्ट्स होता है यार इट हर्ट्स होता है।